नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं गाजियाबाद की ओर, जहां विद्युत विभाग के निजीकरण के विरोध में मुख्य अभियंता कार्यालय पर अभियंताओं का प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश सरकार विद्युत विभाग का निजीकरण करने जा रही है, इसके विरोध में आज जूनियर इंजीनियर्स ने RDC राजनगर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार अपने इस फैसले को वापस नहीं लेगी, उनका विरोध जारी रहेगा। गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम यहाँ SC यादव है, मैं यहाँ क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ और हम लोग सभी जो है यहाँ पे निजीकरण के विरोध में इकट्ठे हुए हैं। हमारा जो है सरकार से ने जो ये निजीकरण के हाथों में निजी कंपनियों को हाथों में बेचने का जो वो किया है, उसी का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, ये सरकार ने निर्णय किस लिए लिया, क्यों है, क्या वजह रही है? ये सरकार जो है ये साजिशन हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र के इशारे पर सभी को बेच डाल रही है। उन्हें जो है कोई भी सरकारी महकमा नहीं रखना है, सबको जो है निजी स्वार्थ में देश हित दिखा करके बेचने का कार्य किया जा रहा है और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए उनके द्वारा भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर अगला कदम क्या रहेगा? हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो पल पल की जानकारी ले रहा है, जैसा कि उनका हमें निर्देश प्राप्त होगा उसी अनुसार हम लोग अगली कार्रवाई के लिए तत्पर रहेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मैं भुवनेश शर्मा, क्षेत्रीय सचिव राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन गाजियाबाद। आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? मूल रूप से हमारी जो मांग है, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जो हमारी एक डिस्कॉम है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की, इसकी सरकार की अवसर को आपदा में बदलने की जो नीति है उसके तहत इन्होंने, जिससे हम लोग प्रदर्शन ना कर पाएँ, हम लोग अपनी बात कह ना पाएँ, उसका फ़ायदा उठाते हुए कोरोना काल में जिस प्रकार से हमने 24 घंटे विद्युत सप्लाई निर्बाध रूप से हमारे बच्चों को छोड़ के, हमने अपने परिवार का ध्यान नहीं रखते हुए भी अपनी जान को जोखिम में लगा करके लोगों के लिए उपभोक्ता की सेवा की है, और उसके बाद हम लोगों के पेट को काटते हुए पूर्वांचल को निजी के हाथों में, निजी जो कंपनियां हैं उनके हाथों में देने की एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है सरकार के द्वारा। क्या चाहते हैं आप? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो निजीकरण का मसौदा तैयार किया गया है सरकार के द्वारा, उस निजीकरण के मसौदे को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए, क्योंकि इससे भविष्य में बेरोजगारी बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार कर रहा है। अभी हमने 48 घंटे का लगातार सामूहिक सत्याग्रह किया है, जिसमें हर एक जूनियर इंजीनियर अपने अपने बिजली घर पर रात्रि के समय भी उपस्थित होकर के उपभोक्ताओं की निष्काम भाव से उन्होंने सेवा की है। उस सब के बावजूद सरकार अगर हमारी बातों को नहीं सुनती है और ना ही सरकार के कान पर कोई जू रेंगती है, तो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा विचार करके अग्रिम कार्यक्रम की तुरंत प्रभाव से घोषणा कर दी जाएगी।